बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ऊपर अधिकतर लोग सवालिया निशान उठाते रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। साथियों, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से माननीय बहन जी ने समाज के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इसमें उनका कोई व्यक्तिगत लालच या राजनीतिक लालच नहीं था। जब बसपा की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब से माननीय काशीराम ने 1977 में आधी रात उनके घर मिलने के लिए गए थे, उन्हें प्रेरित किया इस समाज को न्याय दिलाने के लिए। साथियों, यकीन मानना कि आज के हिसाब से उस समय यकीन करना भी असंभव था कि हम कभी सत्ता में भी आ सकते हैं। और दोनों ने कड़ी मेहनत की और असंभव को संभव कर दिखाया। बहुजन समाज के लोगों को एक नया इतिहास दे दिया। जो लोग पुराने हैं वे भली भांति जानते हैं कि बहन जी ने मान्यवर साहब के साथ मिलकर कितनी मेहनत की। पार्टी को बनाने में उनके बगैर यहाँ तक कि पहुँच पाना असंभव सा ही था। 1984 में जब पार्टी बनी तो बहन जी ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। ब्लैक बोर्ड पर कैडर और रात को लालटेन में सभाएं की, तब बनी बसपा की चार चार बार सरकारें। जो लोग साल 6 महीने में ही बहन जी को जगह पहुंचना चाहते हैं, उन्हें जिन रास्तों में चलकर बहन जी यहां तक पहुंची हैं, उनकी जानकारी शायद उन लोगों को नहीं है। टीवी के सामने बैठकर सलाह देने से मस्त है। व्हाट्सएप, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक पे शेयर करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन व्यक्तिगत चीजों पे देखा जाए, जमीनी कार्य देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो से बड़ा त्याग इस समाज में किसी भी महिला का नहीं है। जिन्होंने अपनी 21 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा और सिर्फ समाज के लिए जुट गई। अभी भी वक्त है, उन लोगों को सुधर जाना चाहिए। जिंदगी इसी अफसोस में गुजर जाएगी कि रास्ता कहां पहुंच गए। आज बहुजन समाज के मंदिर तोड़े जाते हैं, आज बहुजन समाज के मूर्तियों को तोड़ा जाता है, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है और बहुजन समाज की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है, नहीं सुनती है सरकार। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है फिर भी सरकार नहीं लेती है उनके ऊपर एक्शन। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो बहुजन समाज है वो एकजुट नहीं है, ना होने का फायदा उठाती हैं सरकारें।